स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के द्वारा जो स्कॉलरशिप है अपनी 2022-23 के, उसके अंदर आवेदन की जो तिथि है वो जारी कर दी गई है, कब से आवेदन होने हैं। और ये जो नोटिस है वो 16 जून को ही जारी किया गया था, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हो, ये नोटिस 16 जून 2022 को जारी किया हुआ है। और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जो कि अंबेडकर भवन सिविल लाइन रेलवे क्रॉसिंग के पास जयपुर के अंदर है, वहां से ये नोटिस जारी किया गया था। नीचे आप लोग नोटिस नंबर देख सकते हो, ये इनका नोटिस नंबर है, ठीक है। इसमें आदेश दिया गया है तो वो अब क्या है इसके अंदर, और इसके नियमों में भारी बदलाव हुए हैं आपके बार, तो आप लोग स्कॉलरशिप से वंचित न रह जाओ, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं जो भी नियम इसके अंदर बताऊँ उनको ध्यान से सुनना और पढ़ना, और उनके अनुसरण करते हुए ही आप लोगों को चलना है, तभी आप लोगों की जो स्कॉलरशिप है 2022-23 वाली वो आपके अकाउंट में आएगी, अन्यथा आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी। तो आपके लिए ये वीडियो है जो मोस्ट रहने वाला है, अंत तक इसको देखना। अगर एक भी टॉपिक मिस हो गया तो आप लोगों को स्कॉलरशिप है वो नहीं मिलने वाली 2022-23 के लिए। और इसी प्रकार से एक तरीके से आप लोग जो 2021-22 के आवेदन कर रखे हैं उनके अंदर भी ये नियम है वो जोड़ दिए गए हैं, तो उन नियमों के अनुसार ही ये जो नियम है इनके अनुसार ही 2021-22 वाली स्कॉलरशिप की भी आपके अकाउंट में आएगी, जो कि अभी तक नहीं आई है। उसका रीजन यही है, मैंने कल ही समाज कल्याण विभाग में बात की तो उन्होंने बोला कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कि हमने 16 तारीख को नोटिस जारी किया है, उस नोटिस का अनुसरण नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने अभी स्कॉलरशिप नहीं डाली है, ताकि बच्चे स्कॉलरशिप से है जो वंचित न रह जाएं। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोगों को अगर स्कॉलरशिप चाहिए, स्कॉलरशिप से वंचित नहीं रहना है, तो इस वीडियो को अंत तक देखना, और मैं जैसा जैसा बताऊँ वैसे वैसे आप लोगों को करना है, उसका अनुसरण सभी नियमों का आप लोगों को करोगे तभी आप लोगों को स्कॉलरशिप जो आपके अकाउंट में डाली जाएगी, नहीं तो आपके अकाउंट में स्कॉलरशिप नहीं आएगी और आप स्कॉलरशिप से वंचित रह जाओगे। चलते हैं आज के वीडियो की तरफ, नियमों की तरफ, ठीक है। आदेश शैक्षणिक सत्र 2022-23 में राजस्थान के मूल निवासियों के लिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति यानी कि SC ST विशेष समूह योजना, पूर्व में पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग, विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु, मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा, उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं में राज्य की राजकीय या निजी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं एवं राज्य के बाहर की राजकीय राष्ट्रीय स्तर की शिक्षण संस्थाओं के पाठ्यक्रमों में प्रवेशित अध्ययनरत शिक्षण संस्थाओं के विद्यार्थियों द्वारा वेबसाइट, जो कि समाज कल्याण की वेबसाइट है, आप लोग ये देख सकते हो, ठीक है। ये समाज कल्याण की वेबसाइट है, ठीक है। अथवा SSO पोर्टल स्कॉलरशिप SJE ऐप पर क्लिक कर पेपरलेस आवेदन पत्र आमंत्रित ऑनलाइन पंजीकरण करने हेतु आवेदन पत्र भरने के लिए जो निम्नानुसार तिथियां हैं वो निर्धारित की जाती है, यानी कि आपके जो 2022-23 के स्कॉलरशिप के फॉर्म की जो डेट है भरने की वो जारी कर दी गई है। जबकि आप लोग बोलोगे कि हमारी 2021-22 वाली स्कॉलरशिप तो आई ही नहीं, तो उसके लिए भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें, ठीक है। नहीं तो फिर आप लोग 2021-22 व 2022-23 दोनों की स्कॉलरशिप से वंचित रह जाओगे, ठीक है। चलते हैं आगे की तरफ, विषय वस्तु। इसके अंदर देखिए आप लोगों को ये जो तिथियां दे रखी हैं उन तिथियों के बारे में आप लोगों को बता दूं कि ये जो तिथियां जारी की गई हैं विभाग के द्वारा, इसमें उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति शिक्षण संस्थानों द्वारा नवीन पंजीयन पूर्व में पंजीकृत की एवं मान्यता एवं पाठ्यक्रमवार फीस स्ट्रक्चर अध्ययन करने हेतु पोर्टल प्रारंभ करने की तिथियां, यानी कि जो स्कूल हैं जिन्होंने पहले मान्यता नहीं ली थी या अब उन्होंने मान्यता ले ली है, उनको भी अपना जो स्कॉलरशिप के पोर्टल पर है वो पंजीकरण करना होता है, तभी अपने स्कूल या कॉलेज का नाम अपन जब स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते हैं तो आता है। अगर जैसे कि किसी के पास और नया स्ट्रीम जुड़ा है, यानी कि सब्जेक्ट जुड़े हैं, यानी कि पहले किसी स्कूल में आर्ट और कॉमर्स ही थे लेकिन अब साइंस को भी जोड़ दिया गया है, तो उसको साइंस के लिए भी पंजीकृत करवाना होता है कि भाई हमारे स्कूल में अब साइंस भी है। इसी प्रकार से प्राइवेट स्कूलों को भी स्कॉलरशिप दी जाती है, लेकिन वो लोग
जो SSO पोर्टल है उस पर अपना जो पंजीकरण है वो नहीं करवा करके रखते हैं, इस कारण से उनकी स्कूल का नाम नहीं आता है। अब आप लोग कहोगे कि नहीं सर प्राइवेट वालों को तो नहीं मिलती है, उसका भी मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ कि प्राइवेट स्कूलों वालों को मिलती है या नहीं मिलती है। ठीक है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि प्राइवेट स्कूलों के लिए इसमें कहा गया है कि उनको भी स्कॉलरशिप मिलती है। ठीक है, इसके लिए मैं आप लोगों को इसमें कोष्ठक में बंद करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, निजी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं को, यानी कि जो प्राइवेट स्कूल है उनको भी स्कॉलरशिप दी जाती है, लेकिन वो SSO ID पर है जो अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करके रखते हैं, इस कारण उनकी स्कूल का नाम नहीं आता है। तो आप अगर प्राइवेट स्कूल के कैंडिडेट हो या आपके छोटे भाई बहन कोई भी हो तो उनको ये वीडियो अवश्य शेयर कर देना और अपने जो गुरुजन हैं उनको भी अवश्य शेयर कर देना, ताकि वो स्कॉलरशिप पोर्टल पर अपनी स्कूल का रजिस्ट्रेशन कर सके, जिससे बच्चों को स्कॉलरशिप प्राप्त हो सके। ठीक है, अब आपको पता चल चुका है कि प्राइवेट स्कूलों को भी है जो स्कॉलरशिप मिलती है, यानी कि उनकी भी स्कॉलरशिप जारी की जाती है। तो वो जो प्राइवेट स्कूल हैं उनकी जो रजिस्ट्रेशन करने की तिथि है वो इसके अंदर दी गई है। उनकी रजिस्ट्रेशन करने की जो तिथि है वो 15 जून 2022 से स्टार्ट हो चुकी है और 1 जुलाई 2022 तक वो लोग आवेदन कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन करने के लिए। ठीक है, उसके बाद में आप लोगों के जो ऑनलाइन आवेदन हैं स्कॉलरशिप के, वो आप लोगों के 1 जुलाई से ही स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु विद्यार्थियों के द्वारा पेपरलेस ऑनलाइन आवेदन पत्र पंजीकरण कर ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने हेतु पोर्टल प्रारंभ करने की तिथि 1 जुलाई 2022 आप लोगों की रखी गई है, यानी कि आपके जो छात्रवृत्ति के फॉर्म है वो 1 जुलाई से भरने प्रारंभ हो जाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं कि लास्ट डेट कब रहेगी, तो लास्ट डेट आप लोगों की इसके अंदर 31 जुलाई रहने वाली है। इसके अंदर आपके लास्ट डेट कितनी रहने वाली है, 31 जुलाई। ठीक है, तो 31 जुलाई से पहले पहले आप लोगों को ऑनलाइन आवेदन कर देना है। आप लोगों को ये नहीं देखना है कि डेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है, आप लोगों को 31 जुलाई से पहले पहले ही आवेदन कर देना है। ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ। नवीन छात्रवृत्ति पोर्टल पर शैक्षणिक सत्र 2022-23 में उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं में पेपरलेस ऑनलाइन आवेदन करने हेतु विद्यार्थियों के लिए निम्नानुसार दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं। अब इसके अंदर जो आपके दिशा निर्देश हैं, इसमें कुछ तो पहले वाले दिशा निर्देश हैं लेकिन कुछ नए जोड़ दिए गए हैं, उनको आप लोगों को स्पेशली विशेष रूप से देखना है, नहीं तो आप स्कॉलरशिप से वंचित हो जाओगे। आय सीमा, इसमें कैटेगरी दे रखी है कि किस कैटेगरी की कितनी आय सीमा होनी चाहिए तब आप लोग स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर सकते हो। तो इसमें आप लोग देख सकते हो कि आपकी जो आय सीमा है वो कितनी रखी गई है कैटेगरी वाइज। ठीक है, इसमें जो SC ST विशेष पिछड़ा वर्ग SBC और अंबेडकर आर्थिक पिछड़ा वर्ग ABC एवं अन्य पिछड़ा वर्ग OBC एवं डॉक्टर अंबेडकर विमुक्त घुमंतु एवं अर्धघुमंतु जो DNT बोलते हैं उसको, वो के लिए उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति के अंदर जो वार्षिक आय है वो 2.5 लाख रुपए निर्धारित की गई है। यानी कि आपकी आय अगर 2.5 लाख से अधिक होगी तो आप इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं, तो आप जो आयकर बनवाओ वो 2.5 लाख से नीचे का ही बनवाओ। ठीक है, इसके बाद में आता है डॉक्टर अम्बेडकर वर्ग आर्थिक पिछड़ा वर्ग, इसके अंदर एवं अन्य पिछड़ा वर्ग OBC ये जो अर्धघुमंतु जातियाँ हैं ये 17 श्रेणियों वाले विद्यार्थी ही आवेदन कर सकते हैं। इसमें BPL कार्ड धारक की पुत्री या पुत्र आवेदन कर सकता है, अंत्योदय कार्ड धारक की पुत्री या पुत्र आवेदन कर सकता है, स्टेट BPL कार्ड धारक की पुत्री या पुत्र, अनाथ बालिका या बालक, विधवा या स्वयं और विधवा की पुत्री या पुत्र या तलाकशुदा हो, महिला स्वयं हो, तलाकशुदा की पुत्री या पुत्र, विशेष योग्यजन स्वयं, विशेष योग्यजन की पुत्री पुत्र, उक्त श्रेणी के गत परीक्षा में न्यूनतम 60% प्राप्तांक वाले आवेदन को ही प्राथमिकता दी जाएगी। यानी कि जिनके 60% अंक हैं और जो इन कैटेगरी के अंदर आते हैं वो ही इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति के अंदर आपकी जो वार्षिक आय है आपके परिवार की वो 5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति में आपकी आय 5 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए आपके परिवार की। ठीक है, इसी प्रकार से फिशिप कार्डधारी जो हैं उनके लिए भी इसमें निर्धारित किया गया है। ठीक है, आवेदन की प्रक्रिया आप लोगों की इसमें ऑनलाइन रहने वाली है और इसमें एक स्पेशल नोट दिया गया है कि आपके जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है वो खुद की होनी चाहिए। दस्तावेज इसमें क्या क्या लगेंगे वो इसमें दिया गया है कि आपके दस्तावेज जो हैं वो आय प्रमाण पत्र, ठीक है, मूल निवास
पिछले वर्ष की जो आपकी अंक तालिका है वो अंक तालिका वांछित दस्तावेज ऑनलाइन उपलब्ध होने पर ही मूल दस्तावेज को रंगीन स्कैन कर पोर्टल पर यथावस्था आपके जो ये दस्तावेज है वो आप लोग डालोगे तो ऑटोमेटिक अपलोड हो जाएंगे। डीजी लॉकर के द्वारा आपकी मार्कशीट भी ऑटोमेटिक अपलोड हो जाएगी। तो आप लोगों इसको मोबाइल से ही भर सकते हैं इस फॉर्म को, ठीक है, क्योंकि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स नंबर डालते ही ऑटोमेटिक स्कैन हो जाएंगे, ठीक है। अब चलते हैं आगे की तरफ। विद्यार्थियों की आधारभूत सूचना व आय का विवरण परिवर्तन, ये जो आप लोगों को है वो अगर अगर परिवर्तन किसी भी प्रकार का हुआ है तो आप लोग इसमें देख सकते हो और अपना उसके अनुसार कर सकते हो। जन आधार आईडी तथा आधार नंबर के अभाव में विद्यार्थी की छात्रवृत्ति स्वीकृत नहीं की जा सकेगी, यानी कि अगर आपके पास जन आधार कार्ड नहीं है या फिर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आपका जो छात्रवृत्ति का फॉर्म है वो ही नहीं भरा जाएगा, तो आपकी छात्रवृत्ति तो कहाँ से स्वीकृत की जाएगी, ये इसके अंदर एक मोस्ट टॉपिक है। विद्यार्थी का बैंक विवरण, इसके अंदर अब ये ध्यान से पढ़ लेना, विद्यार्थी का जो बैंक विवरण है इसके कारण बहुत से लोगों की स्कॉलरशिप है जो नहीं आती है। छात्रवृत्ति आवेदनों में विद्यार्थी स्वयं का ही खाता संख्या जन आधार के माध्यम से उपलब्ध करावें, अन्यथा छात्रवृत्ति है जो राशि जनाधार कार्ड में अंकित परिवार के मुखिया बैंक खाता में स्थानांतरित होगी, यानी कि आपके जो परिवार के मुखिया हैं, जो आपके परिवार से महिला को अभी सभी को मुखिया बनाया गया है, तो उनके खाते में अगर आपका खाता नहीं ज्वाइंट है जनाधार के अंदर अपडेट नहीं है तो आपके मुखिया के खाते में आपकी जो स्कॉलरशिप है वो चली जाएगी, यानी कि आपके मम्मी के खाते में वो स्कॉलरशिप चली जाएगी, मम्मी या दादी का जो भी आपके मुखिया है उसके खाते में वो स्कॉलरशिप चली जाती है, ठीक है। इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, ये मुखिया के खाते में स्थानांतरित होगी, ठीक है। विद्यार्थी यह सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य है कि उसके द्वारा अंकित किया हुआ बैंक निम्न प्रकार का है। अब आपका बैंक खाता कैसा होना चाहिए तभी आपकी स्कॉलरशिप आएगी, अगर इस प्रकार का आपका बैंक खाता है जैसा जैसा नियमों में बताया गया है तो ही स्कॉलरशिप आएगी। विद्यार्थी का बैंक खाता आधार बेस्ड अकाउंट हो ही हो, यानी कि आपका जो जो बैंक अकाउंट है उसके अंदर आपके आधार नंबर जुड़े हुए होने चाहिए और आपके बैंक अकाउंट की KYC है वो पूर्ण रूप से हुई होनी चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। छात्र के खाते में लेन देन भी बैंक द्वारा निर्धारित समय अंतराल पर, यानी कि आपका जो लेन देन है वो आपके खाते में टाइम टू टाइम होना चाहिए, ठीक है, तभी आपके खाते में छात्रवृत्ति है वो डाली जाएगी और आपके जो खाते के अंदर धनराशि अनंतरण संभव न हो पाए, ठीक है। आपको इसके अंदर बताया गया है कि आपके खाता जो है उसके अंदर टाइम टू टाइम लेन देन होना चाहिए, नहीं तो फिर आपके अकाउंट में जो राशि है वो नहीं आएगी। तो आप लोग जो 2021-22 वाले हो वो भी आप लोग खाते के अंदर अभी से 1,000 रुपये सरकारी बैंक में व प्राइवेट में आपका खाता है तो 5,000 रुपये आपके अकाउंट में होना चाहिए, नहीं तो आपकी स्कॉलरशिप है वो नहीं आएगी, आप उससे वंचित रह जाओगे, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट है कि आपकी जो स्कॉलरशिप है उसके नियमानुसार न्यूनतम राशि सरकारी बैंक में, यानी कि ये मैंने अभी बताया आप लोगों को, आपके जो सरकारी बैंक है उनमें 1,000 रुपये होनी चाहिए और जो प्राइवेट बैंक है उनमें आप लोगों के अकाउंट में 5,000 रुपये होने अनिवार्य है, तभी आप लोगों की स्कॉलरशिप आपके अकाउंट में आएगी, नहीं तो आपकी स्कॉलरशिप है उससे आप वंचित रह जाओगी, ठीक है। चलते हैं आगे की तरफ। और आपका जो बैंक खाता है वो जैसे कि कई अकाउंट होते हैं जो उनके अंदर लिमिट होती है कि 10,000 से ज़्यादा उनके अंदर पैसे एक साथ न डलते हैं न ही निकलते हैं, ठीक है, उस प्रकार का आपका अकाउंट नहीं होना चाहिए। आपके अकाउंट में 25,000 रुपये से ज़्यादा का जो लेन देन का एक तरीके से जो अनिवार्यता है कि भाई इतने रुपए ही आपके अकाउंट में आए या डाले जा सकते हैं या निकाले जा सकते हैं, ऐसा खाता आप लोगों का नहीं होना चाहिए, माइनर खाता आप लोगों का नहीं होना चाहिए, कम से कम उसके अंदर 25,000 रुपये का लेन देन होना अनिवार्य है, ऐसा अकाउंट आप लोगों का होना चाहिए तभी आपके अकाउंट में जो स्कॉलरशिप है वो आएगी, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्या है नियम, शुल्क संरचना, आपके जो स्कूल के शुल्क हैं उसके अंदर आपका नामांकन शुल्क क्या लगा, आपके शिक्षण संस्थान का शुल्क क्या लगा, ये सभी आप लोगों को अंकित करने हैं, क्योंकि पहले ओनली बस ट्यूशन फीस भर देते थे रसीद के अंदर और आप लोगों का चल जाता था, लेकिन अब आप लोगों को सभी चीज़ें भरनी हैं, पुस्तकालय शुल्क क्या है, पत्रिका शुल्क क्या है, परीक्षा शुल्क क्या है, सारी चीज़ें आप लोगों को अंकित करनी है, उसके बाद ही आप लोगों को अपना स्कॉलरशिप फॉर्म भरना है, तभी आप लोगों की स्कॉलरशिप आपके अकाउंट में डाली जाएगी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ।
शिक्षण संस्थान और पाठ्यक्रम का चयन, आप किस स्कूल में पढ़ रहे हो उसका चयन आप लोगों को सही ढंग से कर लेना है, और आपके पास सब्जेक्ट क्या है उसका भी आप लोगों को चयन कर देना है। विद्यार्थी की बायोमेट्रिक उपस्थिति, आप जब फॉर्म भरोगे तो आपकी बायोमेट्रिक यानी कि आपके अंगूठे के द्वारा आपका जो पोर्टल है वो अंगूठा लगाने पर खुलेगा या ओटीपी के द्वारा भी ये खुल जाता है, ठीक है। ऐसा इसके अंदर कोई ज़्यादा वो प्रॉब्लम नहीं है। आपका आधार कार्ड अगर जुड़ा हुआ है मोबाइल नंबर से तो वो ओटीपी से भी खुल जाएगा। शिक्षण संस्थान का पोर्टल पर प्रदर्शन, यानी कि जो शिक्षण संस्थान अपना रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं उनका पोर्टल पर अपने आप ही प्रदर्शन हो जाएगा। 2019-20 राज्य के मूल निवासी विद्यार्थियों के आवेदन पत्र, विद्यार्थी के गृह जिले यानी कि जो आपका गृह जिला है उसको ही आप लोगों को इसमें दर्शाना है, लेकिन जयपुर जिले में सांगानेर, झोटवाड़ा एवं आमेर तहसील के जो विद्यार्थी है उनके आवेदन पत्र जयपुर शहर कार्यालय में एवं जयपुर जिले एवं जयपुर जिले की अन्य तहसीलों सांगानेर, झोटवाड़ा एवं आमेर तहसीलों को छोड़कर के विद्यार्थियों के जो आवेदन पत्र है वो जयपुर ग्रामीण कार्यालय में अग्रसित किए जाएंगे। उत्तर मैट्रिक जो छात्रवृत्ति की जो ये नियम है वो आप लोग इस जो कि मैं ये आप लोगों को बता रहा हूँ, अगर आप लोग खुद भी पढ़ना चाहते हैं तो इस वेबसाइट पर जाकर के आप लोग पढ़ सकते हैं, ये सारे नियम आपको यहां से मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अंदर आप लोग जो देख आप लोग इसे फर्जी बताएं तो उससे पहले आप लोग इसमें जो ओपी बुनकर हैं, निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव हैं, उनके इसमें साइन देख सकते हैं। ये एकदम रियल नोटिस है और आप इसको साइट पर भी जाकर के देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक दे दूंगा, वहां से भी आप लोग इसको जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। अब ये जो कार्यवाही हेतु प्रस्ताव है वो कहाँ कहाँ पर भेजा गया है वो यहाँ पर दिया गया है कि ये कहाँ कहाँ भेजा गया है। ये 22 जगह पर आप लोगों के जो ये नियम है वो ये पत्रावली है जो भेजी गई है, ये आदेश हैं जो भेजे गए हैं, ठीक है। यही थी आज की इम्पोर्टेंट न्यूज़। अगर आप लोग भी छात्रवृत्ति का फॉर्म अप्लाई करने जा रहे हैं या आप लोगों ने पहले किया था तो इन नियमों का अनुसरण अवश्य करें, नहीं तो आप लोग स्कॉलरशिप से वंचित रह जाओगे। थैंक यू, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।